यूपी में जगह जगह पुलिस अलर्ट पर है। अयोध्या, काशी, मथुरा सभी जगह सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। भारी पुलिस बल तैनात है। मुसलमानों के यौमे गम मनाने पर बाबरी केस में पक्षकार रहे इकबाल अंसारी ने कहा कि अब यौमे गम मनाने की जरूरत नहीं है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला रामलला के पक्ष में आया है और भव्य मंदिर का वहां निर्माण हो रहा है, इसे लेकर मुसलमानों का कोई विरोध नहीं है। नौ नवंबर को जो है कोर्ट ने फैसला कर दिया। हिंदू और मुसलमानों का सारी शिकायतें दूर हो गई क्योंकि हमने कोर्ट का भी सम्मान किया है। 6 दिसंबर अब मनाने की हमको ज़रूरत नहीं है, ना हम लोग मनाते हैं। कुछ लोग हैं जो कुरान खानी करते हैं, ये हम जो है ये मजहबी काम है, इससे कोई विरोध नहीं है। अयोध्या में विवादित ढांचा गिरने की बरसी पर मथुरा में पुलिस अलर्ट पर है और इसी क्रम में मथुरा में पुलिस ने हिंदूवादी नेता दिनेश शर्मा को गिरफ्तार किया है। वो श्रीकृष्ण जन्मभूमि स्थान पर दीपदान करने जा रहे हैं। इस मौके पर दिनेश शर्मा ने कहा, श्रीकृष्ण जन्म स्थान में दीपदान नहीं करेंगे तो क्या पाकिस्तान में करेंगे। उन्होंने योगी मोदी और भारत माता की जय के नारे तक लगाए। दिनेश शर्मा ने कहा कि जब मुस्लिम विवादित स्थल पर नमाज अदा कर सकते हैं तो हम यहाँ पर दीपक क्यों नहीं जला सकते। हमारे कान्हा के जन्म स्थान पे धर्मी लोग नमाज पढ़ते हैं, ये हमें कदई बर्दाश्त नहीं होगा। हमारे जन्म स्थान पे जब विवादित स्थान है तो तुम लोग नमाज क्यों पढ़ रहे हो। हम अपने कान्हा जन्म स्थान पे दीपक क्यों नहीं जला सकते। 6 दिसंबर हमारे लिए शौर्य दिवस है। हम अपने इसी दिन हमारे भगवान श्री राम का मंदिर आजाद हुआ था। आज के दिन हमारे भगवान से हमारी प्रार्थना है कि हमारे कृष्ण भगवान का मंदिर जल्द से जल्द आजाद हो। जानकारी के लिए सीधा रुक करते हैं, हमारे सहयोगी नितिन गौतम हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। नितिन, बताइए किस तरह एहतियात के तौर पर सुरक्षा के वहां पर इंतजाम है और क्या ताजा अपडेट आप वहां से देना चाहेंगे। तो लगता है डिस्कनेक्ट हो गया फोन। मुसलमानों के नमाज पढ़ने पर सवाल उठाए गए हैं, दीपदान से रोके जाने को गलत बताया है। 6 दिसंबर 1992 को विवादित ढांचा टूटा था। हिंदूवादी नेता दिनेश शर्मा को अरेस्ट किया गया है। श्रीकृष्ण जन्मभूमि जा रहे थे दिनेश और उन्होंने कहा कि दीपदान करते जाते समय ये जो गिरफ्तारी हुई है ये गलत है और दीपदान हम यहां नहीं करेंगे तो क्या पाकिस्तान में करेंगे। जगह जगह भारी पुलिस बल तैनात है, चेकिंग की जा रही है कोई अप्रिय घटना ना हो, उसका ध्यान पुलिस प्रशासन की ओर से रखा जा रहा है। 6 दिसंबर 1992 को टूटा था विवादित ढांचा। बाबरी की बरसी, यूपी में किस तरह हाई अलर्ट है, पुलिस चौकन्ना है, तस्वीरें दिखा रहे हैं। सड़क पर जगह जगह पुलिस की पहरेदारी है। अयोध्या, काशी, मथुरा समेत कई शहरों में हाई अलर्ट पर है पुलिस, जगह जगह भारी पुलिस बल तैनात है। 6 दिसंबर 1992 को विवादित ढांचा टूटा था और आज वो तारीख है। कोई अप्रिय घटना ना हो, किसी तरह की कोई साजिश कि गुंजाइश ना बचे, इसके लिए पुलिस पहले से ही हाई अलर्ट पर है। अयोध्या हो, काशी हो, मथुरा हो समेत तमाम शहर, सब जगह पुलिस हाई अलर्ट पर है। सीधा वाराणसी का रुख करते हैं, हमारे सहयोगी उपेंद्र हमारे साथ जुड़ रहे हैं। उपेंद्र, वहां किस तरह पुलिस चौकन्ना है और किन बातों का खास तौर पर ध्यान रखा जा रहा है। बिल्कुल, देखिए बाबरी को लेकर चूंकि मुस्लिम इलाकों में शहादत दिवस मनाया जा रहा है तो इस बनारस की सबसे बड़ी, पूर्वांचल की सबसे बड़ी मार्केट जो नई सड़क है वो आप देखिए पूरी तरीके से जो है शोक मनाते हैं, इसलिए ये बंद रखी गई है मुस्लिम इलाके की इमारत। तो पुलिस एहतियातन यहाँ पर तैनात की गई है। आपको मैं दिखा दूँ कि ये पूरी जो इलाका है मुस्लिम इलाका है, इसलिए पुलिस एहतियातन यहाँ पर तैनात है। यहाँ पर पुलिसकर्मी जो है वो लगातार जो है यहाँ पर पुलिसकर्मी जो है तैनात हैं और यहाँ पर देख रहे हैं कि किसी तरीके की कोई घटना ना हो। फिलहाल आप ये देखिए पूरी मार्केट जो है बंद की गई है। हम मुस्लिम इलाके में हैं, यहाँ पर लोगों से बात भी कर लेते हैं कि आखिर क्यों ये जो पूरी मार्केट है वो बंद की गई। क्या नाम है आपका, आपका क्या नाम है? आज मार्केट बंद क्यों है? खंभा का वह का बंद है, हर साल हो गया। हर साल तो आप लोग क्या शोक? हाँ हाँ, मतलब किस लिए? वही वो बाबू मग खरीदा कैसे? ये देखिए पूरी, मैं आपको और भी तस्वीरें दिखाऊंगा। ये बहुत घनी मार्केट है पूर्वांचल की और ये पूरी मार्केट आज
बंद है, ये मुस्लिम आबादी की इमारत है, कुछ और भी लोग हैं उनसे बात कर लेते हैं। आज ये मार्केट बंद है किस 6 दिसंबर के वजह से? तो क्या आप लोग शोक दिवस? जी 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 जी, हम लोग आज 30 साल से 6 दिसंबर बाबरी मस्जिद जो शहीद हुई थी उसका गम मनाते हैं भाई, इसीलिए मार्केट बंद करते हैं। कोई विरोध नहीं, काला दिवस मना, कोई विरोध नहीं करते हैं, कोई विरोध नहीं, हाँ सिर्फ दुकान बंद करके हम लोग शांतिपूर्वक अपना अपना। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर लोग जो हैं वो दुकान बंद करके बैठे हैं, उनके पास उनकी अपनी दलील है। हालांकि पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट में जाकर अब अपने अंजाम तक पहुंच चुका है। सीधा रुख करते हैं आगरा का, नितिन गौतम हमारे साथ है। नितिन, आगरा से क्या तस्वीर है, पुलिस कैसे चौकन्ना है और लोग क्या कह रहे हैं? देखिए, जिस तरीके से जो 6 दिसंबर को लेकर जो हिंदूवादी संगठन है वो शौर्य दिवस के रूप में तारीख को मनाते हैं, तो आज उसी को लेकर जो हिंदूवादी संगठन के लोग थे, तमाम पदाधिकारी थे, उन्होंने जो है विवादित जो स्थल है उस पर जलाभिषेक और दीपदान करने का जो कार्यक्रम रखा था उसका ऐलान किया हुआ था। उसी ऐलान को लेकर जो तमाम पुलिस प्रशासन व्यवस्था है उनको मुस्तैद किया गया था। उसी के तहत आप देख सकते हैं, मैं अपने वीडियो में कहूँगा कि वो दिखाए कि किस तरीके से यहाँ पर बहुत जो है जन्मभूमि के आसपास जो इलाका है उसमें पूरी तरीके से चप्पे चप्पे पर मुस्तैद है। यहाँ पर जो पुलिस फोर्स तैनात किया गया है, सादा वर्दी में जहाँ पुलिस फोर्स तैनात है वहीं वहीं जो है अगर हम बात करें तो पैरामिलिट्री फोर्स आई हुई है, LIU के जो डिपार्टमेंट के लोग हैं जो सादा वर्दी में लगे हुए हैं, तो कहा जा सकता है कि चाक चौबंद व्यवस्था है पूरे मस्जिद परिसर के आसपास ताकि कोई भी परिंदा पर न मार सके। वहीं जो हिंदूवादी संगठन थे उन्होंने ऐलान किया था, उस ऐलान के बाद जो हिंदूवादी संगठन थे उनके द्वारा लगातार इस बात का प्रयास किया गया कि वो शाही ईदगाह जो विवादित स्थल है उस पर जाकर जलाभिषेक करें, तो उन्होंने उस प्रयास को किया था। लेकिन प्रशासन ने जो जन्मभूमि के आसपास का जो क्षेत्र था जिसमें उन्होंने पूरी व्यवस्था को किया हुआ था, तो उस व्यवस्था के चलते जो सुरक्षा व्यवस्था का कवच था उस सुरक्षा व्यवस्था के कवच के चलते जो है हिंदूवादी जो लोग थे वो शाही ईदगाह परिसर की तरफ प्रवेश नहीं कर पाए और करीब पुलिस प्रशासन ने ऐसे 40 लोगों को हिरासत में लिया है जिन्होंने की शाही ईदगाह विवादित स्थल की ओर जाने का प्रयास किया था। है आप दोनों नजर बनाए रखिए, जानकारी के लिए शुक्रिया आपका। श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने कहा है कि भगवान राम के बाल रूप को दर्शाने वाली मूर्ति के निर्माण की प्रक्रिया 1 सप्ताह में पूरी हो जाएगी। राम जन्मभूमि मंदिर में भगवान राम के 5 वर्षीय बाल रूप को दर्शाने वाली 4x3 की मूर्ति का निर्माण अयोध्या में 3 स्थानों पर किया जा रहा है। बाल रूप की पत्थर की खड़ी प्रतिमा 4 फीट 3 इंच ये अयोध्या में 3 स्थानों पर बनाई जा रही है। 3 कारीगर 3 अलग अलग पत्थरों में बना रहे हैं। भगवान जिस किसी के हाथ को स्वीकार कर ले, ये पत्थर की प्रतिमाएं लगभग तैयार है, 90% तक तैयार है। 1 सप्ताह का फिनिशिंग वर्क बाकी है। इस विग्रह की प्रतिष्ठा मंदिर के ग्राउंड फ्लोर के गर्भगृह में होनी है। मंदिर का ग्राउंड फ्लोर लगभग तैयार है, गर्भगृह पूरी तरह से तैयार है, इसलिए प्राण प्रतिष्ठा होने में कोई बाधा नहीं है। नोएडा एयरपोर्ट तक चलेगी रैपिड रेल, गाजियाबाद से ग्रेनो वेस्ट होते हुए एयरपोर्ट पहुंचेगी। शासन ने फिजिबिलिटी रिपोर्ट पर मुहर लगा दी है और अब तैयार की जाएगी डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट। 72 किलोमीटर लंबे रूट में 11 स्टेशन प्रस्तावित हैं। परियोजना को पूरा करने का 2031 का लक्ष्य रखा गया है। 2 फेजेज में इसका काम होगा और गाजियाबाद से RRTC से ग्रेटर नोएडा वेस्ट, सूरजपुर, कासना, दनकौर और ईडा के सेक्टर से होते हुए ये एयरपोर्ट पहुंचेगी। तो अब तैयार होगी डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट, शासन ने इसकी फीजिबिलिटी रिपोर्ट पर मुहर लगा दी है। 72 किलोमीटर का रूट है जिसमें 11 स्टेशन प्रस्तावित हैं। 2031 तक इस प्रोजेक्ट को पूरा करने का टारगेट रखा गया है। नोएडा एयरपोर्ट तक रैपिड रेल चलाई जाएगी। गाजियाबाद से ग्रेटर नोएडा वेस्ट होते हुए ये एयरपोर्ट तक पहुंचेगी। शासन ने इसकी फीजिबिलिटी रिपोर्ट पर मुहर लगा दी है। 72 किलोमीटर का रूट है जिसमें 11 स्टेशन होंगे। 2031 तक इस परियोजना को पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। हिमांशु फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। हिमांशु, रैपिड रेल का जो अगला फेज है वो बहुत महत्वपूर्ण रहने वाला है। एयरपोर्ट आएगा एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट और उसकी कनेक्टिविटी के लिए रैपिड रेल का जो रूट निर्धारित किया गया है, फिजिबिलिटी स्टडी पर मुहर लग चुकी है और अब किस तरीके से इसके काम को तेजी से शुरू किया जाएगा? देखिए, जाहिर तौर पर आपको बता दें क्योंकि नोएडा एयरपोर्ट जो बन रहा है जेवर में वो एक महत्वपूर्ण है और 2024 में उसका पहला फ्लाइट होनी है, लिहाजा इसी उद्देश्य से रैपिड रेल को जो है उसका एक्सटेंशन किया जा रहा है और वो
सूरजपुर होते हुए कासना होते हुए नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पहुंचेगी और करीब 72 किलोमीटर लंबा ये रूट है, जिसमें बताया जा रहा है कि शुरुआती तौर में 9,700 करोड़ रुपए दो फेजेस में बनना है और दूसरा फेज 6,900 करोड़ रुपए में बनना है। 11 स्टेशन प्रस्तावित हैं, लिहाजा ये काफी महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि कनेक्टिविटी के लिहाज से चाहे एयरपोर्ट की बात करें, एक्सप्रेस वे की बात करें या रोड कनेक्टिविटी की बात करें, मेट्रो की बात करें या आप रैपिड रेल की, लिहाजा गाजियाबाद से ग्रेटर नोएडा वेस्ट को जोड़ा जाएगा रैपिड रेल के जरिए। जी बिल्कुल, 72 किलोमीटर